Assalamualaikum dear students, how are you? I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Mohammad Noman Faisal, welcome you people with yet another topic. And today's our topic is Pupil Pattern Second Year English. So students, second year English का भी जो pupil pattern है वो first year English से कुछ ना कुछ हद तक familiarity रखता है. तो सबसे पहले objective type की बात करते हैं. तो objective type first year के पेपर की तरह 20 MCQs हैं, 20 मार्क्स हैं. तो 20 MCQs की डिवीजन कैसे होती है, ज़रा उसको देख लेते हैं. तो आपका बुक टू जो है हमारी, उसका जो पार्ट वन है, बुक टू का पार्ट वन याद रखिएगा, चैप्टर वन टू चैप्टर टेन तक होता है, जिसको हम मॉडर्न प्रोज कह रहे होते हैं. उसमें से तीन सिनोनिम्स आपको आते हैं. और जो बुक टू का पार्ट टू है, जो चैप्टर 11 से चैप्टर 16 है, वैसे पहले चैप्टर 15 होते थे, दो सालों से एक चैप्टर नया ऐड हो गया है चैप्टर 16 द डायलॉग के नेम से. तो उनको हम हीरोज का नेम देते हैं जी, और उसमें से भी 3 सिनोनिम्स ही पेपर में जो है वो आ रहे होते हैं. सिनोनिम्स का तो आपको पता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने किए थे कि एक लाइन लेसन के अंदर से देकर उसको अंडरलाइन किया जाता है किसी वर्ड को, और आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं जो नियरेस्ट इन मीनिंग होते हैं उस अंडरलाइन वर्ड के, एंड यू हैव टू फाइंड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू दैट अंडरलाइन वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड सिनोनिम क्वेश्चन. देन आपका नॉवल है जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स, आपको पता है सिलेबस का हिस्सा. तो इसमें से आपके चार सिनोनिम्स जो है वो पेपर में आपको आती हैं. तो इस तरह आपकी जो दो टेक्स्ट बुक्स हैं सेकंड ईयर की, जैसे फर्स्ट ईयर में बुक वन एंड बुक थ्री है, तो सेकंड ईयर में बुक टू और गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है. इसमें से 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं आपको इस डिवीजन के साथ. ये लहदा लहदा अभी आपको मैं दिखाऊंगा पेपर में कि बॉक्सेस बने होते हैं. देन आपके पास प्रेपोजिशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 MCQs आते हैं. आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें प्रेपोजिशन मिसिंग होती है, एंड यू टू फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. जैसे वी शुड अबाइड डैश द लॉ, तो अबाइड इन द लॉ, अबाइड फॉर द लॉ, अबाइड बाय द लॉ, अबाइड टू द लॉ, तो वी ऑल नो के अबाइड बाय द लॉ. फिर सेंटेंस करेक्शन है, ये ग्रामर का पोर्शन, ये भी प्रेपोजिशन भी ग्रामर का पोर्शन ही है. तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं जी. आपको 4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, और हम 4 सेंटेंसेस में से आपको राइट सेंटेंस जो है वो ढूंढना होता है. और इसके लिए आप जो है वो बकायदा तौर पर ग्रामर के रूल्स करेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह लें जी. देन हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे. सब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट ईयर के पेपर की तरह 80 मार्क्स का, और इसके भी दो सेक्शन हैं. जैसे फर्स्ट ईयर में आपने दो सेक्शन देखे थे, फर्स्ट सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है जी. उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था हमारा सारा वो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा. 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जी इस क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम बुक 2 पार्ट 1, वही लेसन 1 टू 10 में से, जहाँ से हमारा सिनोनिम्स आए थे. आपको आपने देखा था 1 टू जो 3 सिनोनिम्स थे वो भी लेसन 1 टू 10 में से थे, जिसको मॉडर्न प्रोज कहते हैं. और आपको उसमें से कोई 6 क्वेश्चंस करने जी, एनी 6, और हर आंसर 3 to 5 लाइंस का होना चाहिए. मैं बच्चों को कह रहा होता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 5 तो कम अज़ कम लिखें, उसे 6-7 तो जा सकते हैं, लेकिन 5 से नीचे ना रखा करें, एग्जामिनर यूजुअली लाइक नहीं कर रहा होता. तो मार्क्स जो हैं वो आपके इसमें बनेंगे 12, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स का आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए. ओके सुन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जी आपको इस पोर्शन में, बुक 2 के पार्ट 2 से, जिसको हम हीरोज कह रहे होते हैं, लेसन 11 टू लेसन 16 तक, पहले लेसन 15 तक के होते थे मैंने जैसे आपको पहले बताया. और इसमें से भी आपने एनी 6 करने, तो मतलब चॉइस कम होगी. तो 9 में से 6 थे ये, 8 में से 6 है, और ज़ाहिर इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं, तो ये भी 12 मार्क्स का हुआ. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, गुड बाय मिस्टर चिप्स का. ये आपके 12 क्वेश्चन हैं नॉवल के जो आपको पेपर में आने, और इसमें से आपने एनी 8 करने, मतलब ये ज़रा हैवी पोर्शन है. और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, तो ये टोटल कितने बने अगर आप देखें तो 12 16, यस ये आपका जो है एग्जैक्टली 40 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जी सब्जेक्टिव के. मतलब सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का, उसका हाफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन वन का. अब बाकी रिमेनिंग हाफ पोर्शन पे हम एंटर होते हैं सेक्शन 2, जिसको हम कह रहे होते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप का. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 एसेज आएंगे आपको. तो इन 4 एसेज में से आपको किसी एक पर, ऑन एनी वन पर आपको लिखना है. 300 to 400 वर्ड यूजली वो मांग रहे होते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि आपको लेंथी एसेज लिखने हैं, कुछ 7-8 पेजेस के राउंड अबाउट जाना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को टू गेट गुड मार्क्स. क्योंकि एग्जामिनर जो है वो छोटी लेंथ को यूजली पसंद उतना नहीं कर रहा होता, ऑल्दो रिटन 300 to 400 ये
लेकिन चलता कुछ और तरीके से है। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 pages आपको ये कम से कम मिनिमम लिखने चाहिए। 15 marks हैं जी, और इन 15 marks में से आप जो है वो 12 to 13 गेन कर सकते हैं अपना अच्छा ऐसे लिखकर जिसमें आपने मटेरियल अच्छा दिया हो, लेंथ अच्छी दी हो और एक्यूरेसी मतलब मिस्टेक ना हो, तो आप 12 to 13 marks और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो तो ले सकते हैं। पीछे तक जितना भी पोर्शन था उसमें आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आपके फुल आएंगे, ऑब्जेक्टिव में फुल आएंगे, लेकिन यहाँ आपकी ये पहली डिडक्शन बन जाएगी। 15 out of 15 रेयर ही है, 14 तक भी वो जा सकता है इफ यू हैव रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल विद यू, लेकिन वो रेयर है, बहुत ही रेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी, ये आपको 5 idioms और ऑलमोस्ट 3 phrasal verb आते हैं। ये तरतीब कई बार चेंज भी हो जाती है कि 6 idioms और 2 phrasal verbs होते हैं, और कई बार 5 idioms और 2 phrasal verbs होते हैं, मतलब कई बार ये 8 ingredient होते हैं, कई बार ये 7 ingredient भी होते हैं। idioms क्या होते हैं जी, idioms होते हैं रोजमर्रा जिसको हम आम मुहावरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे आंखों का तारा, तो वो जो आंखों का तारा है वो आपका उर्दू का फ्रेज़ idiom है, मुहावरा है, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एप्पल ऑफ समवन आइज़, किसी आंखों का सेब। अगर हर लैंग्वेज में ज़रा डिफरेंट idiom के एक्सप्रेशन होते हैं, तो इंग्लिश और उर्दू के idiom के एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे डिफरेंट, और हम आप इसका मीनिंग एक्सट्रक्शन भी सीखेंगे। और जो फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं वो भी बेसिकली वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन लगाकर एक idiomatic जो है एक्सप्रेशन बनाया गया होता है, जैसे ब्रेक तो कत्ल्फी हो जाना, रिश्ता टूट जाना, तो पता है ब्रेक तो टूटना है, तो ब्रेकअप वो मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, तो फ्रेजल वर्ब भी बेसिकली आपको याद रखिएगा वो idioms ही होते हैं कि वर्ब के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाकर जो मीनिंग चेंज कर लिया जाता है। तो ये आपको कोई 5 करने होते हैं जी, जो मर्जी करें idioms में से फ्रेजल वर्ब में से मिला के आप कर लें, सारे idioms ही कर दें, तो ये आपके 10 marks बनते हैं। ये भी 2 marks का एक होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का है, और अब आपको ट्रांसलेशन आनी है, एक उर्दू पैराग्राफ दिया होना है, एंड उर्दू पैराग्राफ इज गिवन एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको। तो ये भी 15 मार्क्स का है जी, और इसमें भी आपके 12, 13 और बाज़ का एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसलेशन प्रेजेंटेशन मौजूद हो तो आपको 14 तक जा सकते हैं, लेकिन जो कि रेयर है। दैट मीन्स टू से कि आपके जो पेपर में मार्क्स आ सकते हैं, इसमें हाईएस्ट जो आ सकते हैं वो आप 95+ जा सकते हैं, आप 96, 97, और यस माजी में हमारे पास बच्चे 98 मार्क्स भी सेकेंड ईयर में जो है वो ऑब्टेन कर चुके हैं जी, तो यू ऑल्सो मे हैव दैट एबिलिटी टू गेट 98 मार्क्स। तो इसके साथ ना एक चॉइस होती है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो फॉरनर्स होते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम, आप कहेंगे सर हम भी इंग्लिश मीडियम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारा कुछ तो इंग्लिश में पढ़ रहे, असल में स्टूडेंट ऐसा है कि ये होता है फॉरनर्स के लिए जिनको उर्दू आती नहीं, जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, ये उनके लिए होता है जो अपना उर्दू का पेपर भी नहीं दे रहे होते, उर्दू के पेपर की जगह वो कल्चर ऑफ पाकिस्तान का पेपर दे रहे होते हैं, ये उनके लिए है कि उनको एक पैराग्राफ या ऐसे आ जाता है पेपर में, टॉपिक आ जाता है जिस पर उनको इंग्लिश में एक ऐसे या पैराग्राफ लिखना होता है। बाज़ औक़ात हमारे जो थोड़े बहुत मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, तो वो भी ये पैराग्राफ कर जाते हैं और एग्जामिनर द्वारा चेक कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉम द पेपर और यू कैन से द आंसर शीट द एग्जामिनर कैन नॉट कंक्लूड के आइदर ही इज अ फॉरनर और पाकिस्तानी, क्योंकि बाकी के पेपर पूरे में तो उर्दू इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बाद बच्चे ये कर भी जाते हैं, लेकिन हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांसलेशन ही करें, आप पैराग्राफ की तरफ मत जाएं। इसके ऐसे ये पैराग्राफ जो इंग्लिश में लिखना होता है उसकी वजह है कि बच्चों के मार्क्स यहाँ इतने ज़्यादा अच्छे हमने आते हुए नहीं देखे। तो एक झलक बच्चे पेपर को भी देख लेते हैं, ये एक आपका बोर्ड का एक समझ लो प्री बोर्ड एक पेपर बना रखा है हमने, तो वो आप इसको देख सकते हैं, पंजाब कॉलेज का एक पेपर, वैसे ही आपके लिए एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि देखें आपको इस तरह से 3 synonyms आते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, बुक 2 मॉडर्न प्रोज जो पार्ट 1 लेसन 1 to 10, तो सिर्फ आपको पेपर की एक झलक दिखा रहा हूँ, फिर 3 NCQ synonyms के आपको शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहे होते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके हीरोज के पार्ट में से आते हैं लेसन 11 to 16 का जो है, तो आपको ये 4 options है आपके अंडरलाइन के लिए आंसर ढूंढना, जैसे रिप्लेनिश के लिए आपको रीफिल का आंसर आपका बनेगा। देन मिस्टर चिप्स में से देखें आपको 4 questions आते हैं 6, 7 to 10, और यहाँ आपको इस तरह 4 options हैं, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सैम्पल दे रहा हूँ जी। देन आपके पास ये आ गया जी एक प्रेपोजिशन का, तो द लीडर वॉज बैनिश्ड डैश अ फॉरन कंट्री, तो बैनिश्ड टू फॉरन कंट्री मतलब उसके बिरूने मुल्क जिला वतन कर दिया गया, तो आपको प्रेपोजिशन की फिलिंग करनी है। देन आपको ये सेंटेंस करेक्शन के 4 questions आपको नजर 5 questions नज़र आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये आप क्या लगा, ही गोज टू स्कूल इन टाइम ऑफन,
हमें पता है कि ऑफन जो है वो चूंकि इनडेफिनेट वर्ब ऑफ टाइम है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह, तो ही ऑफन गोज टू स्कूल इन टाइम हमारा यहाँ है, ऑफन यहाँ वर्ब से पहले आ रहा होना है, इनडेफिनेट वर्ब ऑफ टाइम अपने वर्ब से पहले आ रहे होते हैं। खैर ये रूल सीखेंगे, ये तो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका ये आंसर जो था अल्फा इसमें से करेक्ट था इन चारों ऑप्शन में से, और ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, ये चार ऑप्शन थे जिनमें से करेक्ट ढूंढना था। देन सब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो सब्जेक्टिव में देखें आपको ये 9 क्वेश्चंस आए हैं लेसन 1 to 10 में से, और आपको इनमें से कुछ 6 कर रहे होंगे। देन आपको देखें कि ये 8 क्वेश्चंस आपको आए हैं लेसन 11 to 16 में से, आपको कोई 6 करने। देन आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल से आपको ये 12 क्वेश्चन आए और आपको कोई 8 कर रहे होंगे आप। तो इस तरह ये आपका सेक्शन 1 कम्प्लीट हुआ। तो ये सेक्शन 2 का स्टार्ट है। सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो आपको ये चार जो है वो एसेज आएंगे, उन चार एसेज में से आपको कितने पर लिखना है जी, एक एसे पर लिखना है, और हम ये सारे एसेज इंशाल्लाह करेंगे, और आपको एक टेक्निक भी देंगे कि आप जो है वो एक अनसीन एसे भी अगर आ जाए तो उसको कैसे आपने लिखना है। देन आपको ईडियम्स का क्वेश्चन आ गया जी, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का, तो आप देखें कि आपको ये 8 दिए हुए और आपको इनमें से कोई 5 करने, और अगर आप देखें तो इनमें फ्रेजल वर्ब भी मौजूद है, ले असाइड और गिव अप जो है इनमें फ्रेजल वर्ब है, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाकर लफ्ज को इडियोमेटिक मीनिंग में, महावरतन मीनिंग में, उसके असल मीनिंग से हटा लिया जाता है। और देन ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है जी कि आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है, और साथ आपको नजर आ रहा है पैराग्राफ एक ऑप्शन के तौर पर और के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन द स्टूडेंट हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश, उनके लिए जब मैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश कहता हूँ इन FSE, तो मैंने बोला कि मीन्स फॉरनर्स जो कि उर्दू का पेपर भी नहीं देते, जब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो है वो अपना पेपर उर्दू की जगह कल्चर ऑफ पाकिस्तान का पेपर दे रहे हैं। So that was all from my side regarding paper pattern of second year. So if you have any question, any ambiguity, do ask a question. I would definitely answer it for you people. Allah Hafiz.